and the hot and happening Mr. मैं चाहे वो मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, मेरा जो किरदार है पिक्चर में वो जरूर मानता है कि जो कमजोर होता है उसको कुछ मांगने का, और चूंकि वो कमजोर है और वो अपना खुद का स्टैंड नहीं लेता है, उसको कोई जिंदगी में कुछ मांगने का कुछ हक नहीं है. उसको जो मिल जाए उसी में ही वो संतुष्ट रहे तो बेहतर है, नहीं तो फिर वो अपनी कमजोरी की जो बीमारी है उसको अपनी जिंदगी से निकाले और एक स्टैंड ले. जो भी कुछ गलत या अत्याचार या कुछ भी आपके साथ जो हो रहा है, अगर आप कमजोरी में रहेंगे तो वो बीमारी है आपको. इट्स लाइक अ डिजीज. दैट्स व्हाट माय कैरेक्टर फील्स एट लीस्ट. Like in fact many people, it's just accidental that you know movie is called John Day. It's a coincidence, and yeah, it is not a story of a common man, because I don't believe that there is anything called common man. Nobody is common. There are powerful people, there are weak people, there are rulers, there are citizens, and yeah, I think that you know powerless weak people are called common people. मैं नसीर साहब के साथ पहली बार काम नहीं कर रहा हूँ. ये मेरी उनके साथ दूसरी पिक्चर है जो कि रिलीज़ हो रही है. मैं पिछले 13 साल से उनके थिएटर ट्रूप में एक एक्टर के बतौर, कभी कभी एक राइटर के बतौर, कभी कभी सिर्फ एक शिष्य के बतौर उनके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ पिछले 13 साल से. मेरी कला और मेरी ज़िंदगी और मेरे करियर में उसको एक पेशेंस देने में नसीर साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है. Play a mysterious woman who has a dark past and no future. मेरे पिक्चर में गर्लफ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड मेरे साथ खड़ी है. अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो बेहतर होगा. But we all want to know, like everybody wants to know. Yeah, but I don't want to tell. तो I felt that वो धोखा मुझे लगा था लाइफ में, और हॉस्टल में मैं पूरी जिंदगी पढ़ा हूँ, अभी भी मेरे को ऐसा लगता है हॉस्टल में हूँ. तो कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ अबैंडनमेंट मुझ में अभी भी है, और कहीं ना कहीं वो मेरा एज एन एक्टर बहुत बड़ा फ्यूल भी है. पाकिस्तानी हूँ मैं, दुनिया में कहीं भी जाता हूँ मैं एक स्वतंत्र गणतंत्र का एक निवासी हूँ, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से इस दुनिया में नहीं. हम अपने देश में कितने आज़ाद हैं ये डिबेटेबल है, क्योंकि दुनिया में 97% लोग 3% लोगों के लिए काम करते हैं, आप, मैं और हम सब लोग. तो हम कितने उस मामले में स्वतंत्र हैं, कितनी हमारे पास आज़ादी है, ये डिबेटेबल चीज़ है. बट ये ज़रूर है कि हम एक सर उठा के बोल सकते हैं कि हम एक स्वतंत्र गणतंत्र के नागरिक हैं, और उतना मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप के लिए काफ़ी है. बेसिकली इट्स एक मिस्टीरियस डेथ के ऊपर है, और द नेट ऑफ कंस्पिरेसी इट अनफोल्ड्स. तो इस कहानी में सारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इसका रिलेशनशिप के ऊपर ये कहानी है.